लोग मुझे कहते थे ना मैं गरीब हूँ, मैं बाइक पर या गाड़ियों पे हिमाचल जाता हूँ। अभी आपको मैं अपनी अमीरी दिखाता हूँ, मुझे लेने हेलीकॉप्टर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जैसे मैंने ट्रेनिंग दी थी बिल्कुल वैसे ही। मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम अगेन दोस्तों। सो डेट कितनी हो रही है आज? सो गाइस, टुडे इज 15th ऑफ जनवरी एंड वी आर एट मनाली। और ये आलसी बंदे अभी तक सोए हुए, उठ के नहीं राधी। मेरा शौक भाई है जो अच्छे अच्छे गाने लगा रहा है सुबह सुबह। भाई लव यू फॉर दिस सॉन्ग्स। एंड गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा अच्छा है एंड बर्फ पड़ी हुई। मैं पीछे आपको सीनरी दिखाता हूँ अभी, एंड आपको मतलब कि कैमरे से सीन्स वगैरह दिखाऊंगा। एंड उम्मीद है कि यहाँ पर कल येलो अलर्ट उन्होंने कहा है एंड स्नो पड़ने के चांसेस भी है काफी। हमारा प्लान तो था कि हम जाएंगे जसपा और सीसू की तरफ, बट उन्होंने कहा है कि जसपा सीसू और अटल टनल तीनों बंद किए। बाकी देखते हैं, यहाँ पर थोड़े से जुगाड़ लगाते हैं, पंजाबी बंदे हैं, जुगाड़ तो लावांगे ही, है ना। और देखते हैं अगर हमें परमिशन वगैरह मिल जाती है। ओनली 4x4 ही आगे जाने दे रहे हैं, रेस्ट देखते हैं। बाकी आपको मैं यहाँ का ना व्यू दिखाता हूँ। कितनी अच्छी है, हमें बर्फ पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है फ्रेश है। चल मेरी गल छड़, तू त्रिण तो आंदा हनुमानजलि साहब पढ़ रहा सी, ये दस पहला दस हनुमानजलि साहब। मैं डर गया सीगा, मेरी हनुमानजलि साहब नीचे आया। 100 रुपया नहीं खर्च सका तू एमरजेंसी लाइट करके, ते ड्रोन खरीदन फिरदा भाई। अशोक मन्नेगा भरावा, जद अभी थले आ रहे ना, ये मुंह चो रटी पई से हनुमान चालीसा, राम 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 हनुमान चालीसा पूरी पढ़ता आ रहा है। ये फुफड़ बिठाया ना उत्थे, जिहड़ा परमिशन दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता, मैंने अभी गाड़ी कहाँ पर लगाई है, कॉर्नर पे यहाँ पर गाड़ी लगाई है। रिस्क भी था मुझे लग रहा, बट चलो फिर भी यहाँ पर गाड़ी लगाई है। एंड रश आप देख सकते हैं, रश। एक अपडेट आपके लिए है कि जैसे मैंने पहले बताया था ना, मुझे अपडेट मिला था कि 4x4 ही गाड़ियां जाने दे रहे, तो अभी हम सोलांग वैली और सिसू की तरफ जाना चाह रहे थे। बट यहाँ पर अभी पीछे जो एक टर्न है वहाँ पर चढ़ाई, वहाँ से पुलिस वाले हमें वापस भेज रहे हैं। बट हमने यहाँ पर एक जगह रास्ते पे गाड़ी लगाई है ताकि थोड़ा सा व्यू देख सके। देखिए दोस्तों, दिल तो सीरियसली दुखता है, दिल सच में अभी दुख रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आया था तब भी मनाली में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं घूम पाए थे कोरोना की वजह से। पता नहीं ये कोरोना कब हमारा पीछा छोड़ेगा, कहीं की खुशियाँ ले गया, कहीं की हंसी ले गया, कहीं की ज़िंदगी छीन के ले गया। और अब हिमाचल टूरिज्म पे इफेक्ट हो रहा है, लोगों के घूमने फिरने पे इफेक्ट हो रहा है। बट चलो डोंट वरी, टेंशन ना लो, आपके लिए कंटेंट पूरा भर कर आएगा।
वो देखे वो मेरे भाई लोग ऊपर जा रहे हैं ऐसे चढ़ चढ़ के, एंड हम भी ऐसे ही जाएंगे ऊपर की तरफ। से हाय ब्रो। पता क्या, मनाली हिमाचल में हम मकलोड़गंज जैसी काफ़ी जगहों पे जाते हैं घूमने, बट जो रिलीफ जो रिलैक्सेशन नेचर के पास आके मिलती है ना, जो कुदरत के पास आके मिलती है, वो कहीं भी नहीं मिलती। अब मैं सीरियसली बताऊँ, एक कैमरा मैन एक फ़ोटोग्राफ़र होने के नाते मुझे थोड़ी ज़्यादा कोई स्किल्स नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत स्किल्स आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने ब्यूटीफुल कलर्स आ रहे हैं ना, ये पत्थर का ब्राउन कलर है, नदी का हरा नीला रंग है, तो मेरा इतना ज़्यादा दिल करा ना कि यहाँ की इतनी अच्छे अच्छे यहाँ के शॉट्स कैप्चर करो, बट क्या करें, लिमिटेड है, मेरे पास आईफोन 11 है, उसके थ्रू मुझे शॉट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। मेरा सीरियसली दिल करा है अगर यहाँ पर मेरे पास ड्रोन होता या गोप्रो होता, तो मतलब कैमरा होता, तो मैं कितने अच्छे यहाँ पे शॉट्स लेता, कितने अच्छे कलर्स, और जो कुदरत का नेचुरल कलर है, कुदरत की नेचुरल ब्यूटी है, वो आप तक मैं दिखा पाता है। सीरियसली कई बार होते हैं ना, कुछ फीलिंग्स, कुछ विशेज़, कुछ तमन्नाएं हमारी वो दबी रह जाती हैं, बट आई विल ट्राई एंड आई विश कि जल्दी जल्दी वो भी सारी पूरी हों। ऐसे ही मैं मतलब पूरा अपना भारत देश को एक्सप्लोर करूँ, नेचर के पास जाऊँ, जो हिडन फैक्ट्स हो वो आपके सामने रखूँ, ऐसे अनएक्सप्लोर्ड थिंग्स हैं, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस आप सबके सामने रखूँ, और दिखाऊँ भी सिनेमैटिक शॉट्स, बेस्ट कलर, बेस्ट सिनेमैटिक शॉट, बेस्ट व्यू। बाकी चलो अब यहाँ पर मैं थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ, अपनी दिल की बातें यहाँ पर अपन कुदरत के साथ ही शेयर करता हूँ, ठीक है। लोग मुझे कहते थे ना मैं गरीब हूँ, मैं बाइक पर या गाड़ियों पर हिमाचल जाता हूँ, अभी आपको मैं अपनी अमीरी दिखाता हूँ। मुझे लेने हेलीकॉप्टर आ रहा है। हाँ बस बस बस, अच्छे से लैंडिंग करना जैसे मैंने सिखाई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कर लो लैंडिंग, आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जैसे मैंने ट्रेनिंग दी थी बिल्कुल वैसे ही। भाई लोग आ जाओ, हेलीकॉप्टर आ गया अपने लिए, पायलट इज वेटिंग। तभी तो नेचर हमसे बदला लेता है इन चीज़ों का यार, अगर हम कहीं आए हैं तो उसको ऐसे गंदा मत करके जाओ यार, गाड़ी में डस्टबिन रख लो अपना एक अलग से, क्यों नेचर को गंदा कर रहे हो। इंजॉय करना है, शराब पीनी, बॉनफायर करना है, कुछ भी करना है, तो प्लीज़ गंदा तो मत करो यार नेचर को। हमने भी अपनी गाड़ी में एक अलग से डस्टबिन रखा है, हमने 2-3 बॉटल्स रखी हुई 2-2 लीटर की घर से लेके आए, ताकि प्लास्टिक ना हम ज़्यादा यूज़ कर पाएं। प्लीज़ यार, कम ऑन गाइज, हम इतने मैच्योर तो हो चुके हैं ना। $90
ਉਹਦੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਬੋਲ ਜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਲੈ ਗਏ ਦੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਆਹੋ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਇਅਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 11 ਨੰਬਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ लक्ष्य अपने घर वाले से पूछा तो कभी हिमाचल तो नहीं आए शक्ल तो तेरी पूरी पहाड़ियों जैसी लग रही है एक बार मिंजो तिंजो भी कर दे मिंजो तिंजो नहीं ऐसे कर मिंजो बड़ बार गुस्सा आंदा योगे भाई डिट्टो पहाड़ी लग रहा है ना बिजली महादेव आदर बख्शियो ओ भाई एक तू ही मेरा सच्चा साथी है जो ट्रैकिंग और चढ़ाई में मेरा साथ देता है लक्ष्य दो मिलाओ बेटा अपनी हाँ